खबर रीवा से है, जहां लूट, चोरी, मारपीट, हत्या की वारदातों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला गढ़ थाना क्षेत्र के तेंदुआ मोड़ का है, जहां पल्सर सवार बदमाशों ने साइकिल सवार युवक को शिकार बनाया है। बताया जाता है कि युवक साइकिल से जा रहा था, जिसका मोबाइल छीन कर बाइक सवार बदमाश भाग निकले। लूट का शिकार युवक विजय कुमार मिश्रा निवासी तेंदुआ का रहने वाला है। पीड़ित ने मामले की शिकायत गढ़ थाने में दर्ज करा दी है। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जी सर, मेरा विजय कुमार मिश्रा नाम। जी सर, मेरा फ़ोन चोरी हो गया। मैं यहाँ दौड़ कर जा रहा था अपने फील्ड से तेतुआ मोड़ के पास। जैसे कि सर, तीन युवक खड़े थे वहाँ पास, मेरे पास आने लगे। मैं मोबाइल को जैसे ही अपने हाथ के पास लाने लगा, वो मेरे हाथ से छुड़ा कर भाग गए। तीन लोग थे, काली कलर की स्प्लेंडर प्लस गाड़ी थी। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.